हेलो मुथैया मुरलीधरन, कैसे हो? प्रीवियस वीडियो कैसा लगा? जो भी हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना। तो आनंद ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। आइए आइसोमेरिज्म का हम लोग पार्ट 5 का अध्ययन करने वाले हैं, यानी कि इस आइसोमेरिज्म में हम लोग चर्चा करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हाँ बच्चों, पिछला प्रीवियस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो समाप्त हो गया था। अब हम लोग चर्चा करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है? तो स्टीरियो मीन्स होता है 3D, त्रिविमीय स्ट्रक्चर। स्टीरियो नहीं सुनते हैं कि स्टीरियो साउंड। अगर आपके पास ईयरफोन होगा तो अगर स्टीरियो साउंड निकलता है तो चारों तरफ से स्पेशियल है ना, कभी इधर से कौं, इधर से कांत, इधर से आएगा किंग। ये है आपका क्या चीज? स्टीरियो। स्टीरियो मीन्स 3D। 3D जो स्ट्रक्चर है उसका अरेंजमेंट में क्या मिलेगा? डिफरेंट मिलेगा। वही तो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहला चीज, सेम मोलेकुलर फार्मूला। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मोलेकुलर फार्मूला क्या रहेंगे? समान रहेंगे मोलेकुलर फार्मूला, और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम। ठीक है, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो बोलिएगा सर दोनों सेम हो गया तो चेंज क्या है? तो डिफरेंट है आपका स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप, एटम्स या ग्रुप। स्पेशियल अरेंजमेंट मीन्स हो गया कि स्ट्रक्चर उसका सेम रहेगा मगर उसका जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, जैसे मान लिया कि मेरा ही पूरा आनंद सर का पूरा बॉडी जो देख रहा है ये स्ट्रक्चर है, मगर इसका अगर थोड़ा सा स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज कर दिया, जैसे मान लो कि इस तरह का बाल है, ये बाल एकदम खड़ा खड़ा हो जाए तो स्ट्रक्चर तो सेम हुआ मगर उसका स्पेशियल आकाशीय जो व्यवस्था थी वो चेंज कर। जैसे मान लो कि यहां दोनों हाथ ऐसे होते हैं स्ट्रक्चर में, मगर मेरा यह हाथ पीछे की ओर चल जाता तो क्या हो गया? स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर वही है, स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। उसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं या ग्रुप होते हैं उनका स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज होने के कारण आइसोमर मिलते हैं, और ऐसी घटना को हम लोग कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। याद रखिएगा, मोलेकुलर फार्मूला समान, अणुसूत्र समान रहेंगे, संरचना सूत्र समान, मगर डिफरेंट क्या रहेंगे? तो उनके परमाणु या ग्रुप का जो अरेंजमेंट है स्पेशियल अरेंजमेंट 3D में है ना, वो क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे, तो कहलाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ध्यान दीजिएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो प्रकार के, स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो प्रकार का। एक को कहते हैं कॉन्फिगुरेशनल, उधर जला देते हैं इसको साफ करें, आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे
और ध्यान से सुने और इस वीडियो को देखें, ठीक है। अस्टेरियो आइसोमेरिज्म आपको दो प्रकार का, एक कहलाता है कॉन्फिगुरेशन नल आइसोमेरिज्म और एक का नाम है कॉन्फॉर्मेशनल कॉन्फॉर्मेशनल नल आइसोमेरिज्म। पहले दोनों में अंतर समझते हैं। है तो आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब मोलेकुलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला सेम, मगर उसमें एटम का जो बनावट है, अरेंजमेंट है, वो रहेंगे आपका डिफरेंट। तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है कि इसका जो आइसोमर मिलते हैं वो सेपरेबल अलग कर सकते हैं, ठीक है। मगर कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का जो आइसोमर होते हैं उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, यानी कि यह सेपरेबल आइसोमर होते हैं और यह नॉन सेपरेबल आइसोमर, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे, अभी मुख्य रूप से यही दो अंतर बता रहे हैं। इसको हम लोग अलग कर सकते हैं, इसको हम लोग आइसोमर को अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर भी दो प्रकार का, ठीक है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्लासिफाई करते जा रहे हैं। कॉन्फिगरेशनल दो प्रकार का, एक होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सिलेबस में खैर यही दो का पढ़ना है आप लोग का, कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की चर्चा उतना नहीं है, मगर फिर हम चर्चा करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, क्लियर है, इसका मोलेकुलर फार्मूला क्या रहेंगे, सेम मोलेकुलर फार्मूला। इसका स्ट्रक्चर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, बट इसका स्पेशियल जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ इट। तो हम कैसे पहचान करेंगे कि वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा, इसका कंडीशन है। कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, डिफिनेशन वगैरह जो भी है, ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, नोट्स लिखा हुआ रहेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका नोट्स उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कंडीशन फॉर जीआई लिखते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या है, तो पहला याद रखिएगा, रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड, रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि वह रोटेट ना करे, यानी पाई बॉन्ड होगा, यानी कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड हो,
डबल बॉन्ड हो या फिर आपका रिंग हो, चेन, क्लोज चेन, तो वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। और एक कंडीशन और है, तीन कंडीशन। पहला कंडीशन है रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड, बतलाते हैं डबल बॉन्ड हो या फिर रिंग हो। या कंडीशन है तीसरा कि जो डबल बंधन या रिंग वाला जो एटम है उस पर लगा हुआ अन्य एटम, अन्य परमाणु क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट एटम, ठीक है। इस पर जो डबल बंधन या रिंग से जुड़ा हुआ जो एटम है उस एटम पर जो अन्य एटम होंगे, अन्य परमाणु, वो हमको क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट, या आप कह सकते हैं ए सिमेट्रिक कार्बन एटम या कोई एटम लिख देते हैं, तो जरूरी नहीं है कि कार्बन कार्बन ही रहे। तो याद रखिएगा रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड डबल बॉन्ड या रिंग वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा, मगर ये दो नियम का फ्लो होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड और एसिमेट्रिक कार्बन एटम या अन्य एटम भी हो सकते हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के मतलब क्या होता है कि जो रोटेट ना करे, तो हम कैसे जानेंगे कि वह ऑर्गेनिक कंपाउंड रोटेट नहीं करेगा, तो जरा एक एग्जाम्पल के द्वारा हम चर्चा करते हैं। जैसे मान लो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और इसके पास एटम जो सजे हुए हैं, मान लो इस पर है CH3, इस पर है H, इस पर है CH3, इधर है H, जरा समझिएगा। यदि ये सिमेट्रिक एटम की बात किया जाए, यानी कि यह एटम की अगर बात किया जाए, तो इस पर सजा हुआ जो अन्य एटम, जैसे यहां पर ग्रुप क्या है CH3, यहां एटम क्या है H, ये क्या है डिफरेंट होना चाहिए। तो यदि डिफरेंट है तो इस एटम को हम क्या बोलेंगे, ए सिमेट्रिक एटम है। ये दूसरा भी वही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक, भी एसिमेट्रिक है क्योंकि ये दोनों क्या है डिफरेंट है। और फिर कंडीशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड। तो रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड किससे मिलता है, डबल बॉन्ड में या तो फिर रिंग में। रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड किसमें मिलेगा, डबल बॉन्ड या रिंग में मिलेगा। क्यों ऐसा कहा गया रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, कहीं सबसे अच्छा रहेगा रोटेशन, घूमे नहीं, रोटेट नहीं कर, है ना। तो देखिए, तो सिंगल बॉन्ड के जरिए है तो इसको अगर पकड़ के इसको घुमाएंगे तो घूम जाएगा, क्योंकि यह हेडवाइज कोलिजन है, यहां पर जो शेयरिंग हुआ है वो हेडवाइज हुआ है। यदि यहां पर डबल बंधन होता, यदि यहां पर डबल बंधन होता तो जरा सोच लो, यहां है सिग्मा, यहां है पाई सिग्मा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, सिग्मा बॉन्ड जहां होंगे, चर्चा कर चुके हैं, वो हेडवाइज ओवरलैपिंग हुआ, इनके बीच भी हेडवाइज ओवरलैपिंग हुआ, तो हेड हेड को मिलने से आसानी से रोटेट कर सकता है, घूम सकता है, ठीक है। मगर जरा यहां ये दोनों कार्बन को देखिए, सिग्मा है यानी हेडवाइज भी है, और मान लो कि हम इस तरह से ऑर्बिटल बना देते हैं, अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड। अब तो देखिए, तो पाई बॉन्ड लग गया तो इसको अगर रोटेट करावेंगे, घुमाएंगे, तो यह बंधन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो क्या यह रोटेट हो सकता है, नहीं। यही है मेरा क्या चीज, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इसमें मिलेगा डबल बॉन्ड या रिंग मिलेगा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो मिलेगा वो डबल बॉन्ड या रिंग। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्लियर हो गया कंसेप्ट,
अब जो एटम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक सिमेट्रिक होना चाहिए। यदि यह डबल बंधन होता तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया, यानी डबल बॉन्ड में होगा या तो फिर रिंग में होगा। और देखिए तो यह एटम जो है वह डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप या एटम से अरेंजमेंट, ठीक है। तो यदि इसका अगर इस तरह का थ्री डी शेप बनाया जाए, इधर है हाइड्रोजन, इधर है सी एस थ्री, इधर है हाइड्रोजन, इधर है आपका सी एस थ्री, इधर है आपका हाइड्रोजन। देखिए तो घुमा नहीं, जब ये रोटेट नहीं कर सकता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो इधर में है सी एस थ्री, इस कंपाउंड में जरा देखिए तो इधर है हाइड्रोजन। दोनों का स्पेशियल अरेंजमेंट, दोनों डबल बंधन है, ये रोटेट नहीं कर सकता है। तो सोचिए कि इस कार्बन पर मान लो कि हाइड्रोजन लगा हुआ है इधर, अब इस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं मिथाइल ग्रुप लग गया है, तो दोनों का नेचर क्या हो जाएगा, स्वभाव क्या हो जाएगा, यानी कि भौतिक और रासायनिक गुण ये दोनों का हो जाएगा डिफरेंट। क्लियर है यहां तक? याद रखिएगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं समझ पा रहे होंगे तो बस याद रखना कि डबल बॉन्ड या रिंग वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड और रिंग तो है, मगर साथ में क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक। अगर कार्बन एटम जुड़ा हुआ होगा डबल बंधन से, तो कार्बन एटम क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक। उस पर एटम जो सजा हुआ होना चाहिए वो आपका डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। यहां तक क्लियर है? अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड और कैसे पहचान करने की तरीका तो बता दिए, एग्जांपल दे देकर हम समझाएंगे कि इसका आइसोमर जो बनेंगे वो कैसा बनेगा। ये तो क्लियर हो गए कि ये जो स्पेशियल अरेंजमेंट है ये जस का तस रहेंगे, क्योंकि यह रोटेट नहीं कर पा रहा, सिंगल बॉन्ड रहता तो रोटेट कर जाता, मगर रेस्ट्रिक्टेड कहां मिलते हैं, डबल बॉन्ड में और रिंग में, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना, ठीक है।